सुप्रभात बच्चों, केजी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की नोटबुक में काम करा रही हूँ और आप सबको अ से अह लिखना आता है, क्योंकि आप नर्सरी क्लास में अ से अह तक लिखने का अभ्यास कर चुके हैं। ठीक है, तो आज आप मेरे साथ अ से अह लिखने का पुनर्अभ्यास करेंगे। छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, रि से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अहं। बेटा, अभी मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, जब हम ई से इमली, ई से ईख लिखते हैं, बड़ी ई से ईख लिखते हैं, तब ये जो ऊपर मात्रा लगती है ये बिल्कुल इस डंडी को टच करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जब हम बड़े उसे ऊन लिखते हैं तो ये जो हम पीछे बनाते हैं ये बिल्कुल सेंटर से आना चाहिए। कुछ बच्चे कभी कभी ऐसा बना देते हैं, ऐसा, ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप बड़े उसे ऊन लिखें तो ये सेंटर में से ही ऐसे नीचे जाना चाहिए। ठीक है, अब आप आ जाइए ओ से औरत पे। जब भी हमें बड़े ओ से औरत लिखना होता है तो ये दोनों मात्राएं पीछे वाली आ वाली मात्रा से जानी चाहिए। यदि आप एक मात्रा आगे से और एक मात्रा पीछे से ऐसे लगाएंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा। बेटा, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। उसके बाद आइए अंग से अंगूर पे। जब हम अंग से अंगूर लिखते हैं तो कुछ बच्चे इतना बड़ा बड़ा सर्कल बना देते हैं। आपको बेटा इतना बड़ा सर्कल नहीं बनाना, क्योंकि ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। जब आप अंग से अंगूर बनाएंगे तो आपको एक ऐसे डॉट बनाना है केवल। ठीक है, उसके बाद आप आइए अह पे। जब आप अह लिखते हैं तो आपको उसके पीछे जो डॉट डालने हैं वो भी केवल सिंपल ऐसे डॉट होने चाहिए। कुछ बच्चे हमने देखा है वो इस तरीके से बड़े बड़े सर्कल बना देते हैं, ये बेटा रॉन्ग फॉर्मेशन मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको जो राइट फॉर्मेशंस है वो बनानी है, कोई भी रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं बनानी। डियर पेरेंट्स, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि नर्सरी कक्षा और केजी कक्षा जो होती है, बहुत छोटी क्लासेस होती हैं, यहीं से एक बच्चे की राइटिंग की बनना चालू होता है। यही वो क्लासेस होती हैं जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है। यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हम अभी से रखेंगे तभी हम आगे जाके अपने बच्चों का पाएंगे कि उनकी राइटिंग बहुत सुंदर हो गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखिए कि बच्चा लाइन में प्रॉपरली बना रहा है या नहीं, फॉर्मेशन अप टू मार्क है या नहीं। क्योंकि अगर नर्सरी और केजी क्लास में, छोटी क्लासेस में ही बच्चों की राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता तो वो राइटिंग आगे तक जाके भी खराब हो जाती है। इसलिए आपको और हमें पूरा पूरा प्रयास करना है कि राइटिंग बच्चे की अच्छी से अच्छी हो सके। धन्यवाद।